अब मैं किसी से अब तक का सबसे बेतुका सवाल पूछने वाला हूँ, क्या वो इस $1,00,000 का चेक लेना पसंद करेगा या फिर इस शानदार डायमंड को लेना पसंद करेगा? लेकिन इस चेक पर लिखे अमाउंट को हम पहले ही कवर कर देंगे। चलो देखते हो क्या चुनता है। तो तुम अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी फैसला करने वाले हो। ये सच है जॉन, क्या तुम ये $48,000 की डायमंड रिंग लेना पसंद करोगे? मैं सीरियस हूँ। या फिर इस मिस्ट्री चेक को जिसका अमाउंट तुम्हें पता नहीं? कम ऑन, $48,000 की रिंग या ये मिस्ट्री चेक जिसमें कोई भी अमाउंट हो सकता मैं है? ये रिंग लेना चाहूंगा। तुम ये रिंग लेना चाहोगे? क्योंकि ये तो तुम रिंग ले रहे हो। कंग्रेचुलेशन, तुम $48,000 जीत गए। नहीं, पर ये असली तो है ना, ये बैंक नहीं। मेरा वादा है। अब मैं दिखाता हूँ तुम क्या जीत सकते थे। अगर तुम इस चेक को चुनते तो तब तुम $1,00,000 जीत सकते थे। लेकिन चलो कम से कम तुम $48,000 तो जीत ही गए, जो कोई छोटा अमाउंट नहीं है। अगले खिलाड़ी के पास चलते हैं। जो इस जार में कितनी जेली बीन्स है, अगर तुमने सही सही बता दिया तो मैं तुम्हें दूंगा $10,00,000। अच्छी बात है ना, मैंने स्मोक मशीन भी खरीदी है। और मैं इसे नहीं, ढक्कन नहीं हटा सकते। 10,00,000 बहुत बड़ी रकम होती है, मैं ढक्कन नहीं खोलने दे सकता। रुको, क्या मैं किसी की मदद ले सकता हूँ? क्या मैं वीडियो कॉल कर सकता हूँ? 72,368 पता है ना, अगर ये सच में उतने ही हुए तो हम एक और डाल कर नंबर बदल सकते हैं। क्या तुम चीटिंग करोगे? ये बताएगा कि तुम $10,00,000 जीते हो या नहीं, ये तुम्हारी किस्मत तय करेगा। मैंने इतना गलत अंदाजा लगाया। 1,171 सही नंबर था, लेकिन तुमने इतना गलत कैसे हो सकते हो यार? अच्छा, अगर मैं इसके अंदर कहता कि जिमी है तो शायद तुम जीत जाते। नहीं नहीं जीतता। ये है आंद्रे और ये है कुछ सोलो कप्स, इन्हें जमीन पर रख दो। तुमने बनाए हैं $5। तुम यहाँ पर जितने भी सोलो कप्स रख पाओगे उनके लिए $1 दूंगा। अगर पूरा फ्लोर कवर हो गया तो एक के ऊपर एक रखो। तुम्हारे पास ये पूरा कमरा है और अनलिमिटेड कप्स, और साथ ही पूरा दिन भी। आंद्रे, अभी मुझे जाना होगा और कुछ और लोगों को भी पैसे देने हैं। ठीक है, जल्द मिलते हैं। थैंक यू। ये काम करना आखिर इतना आसान कैसे हो सकता है? ये मेरा सबसे फेवरेट चैलेंज होने वाला है। ये तय करेगा कि तुम $10,000 जीतोगे या नहीं। 1 से लेकर 20 के बीच का एक नंबर चुनो। 15। तुमने चुना है 15, मतलब तुम्हें मिलते हैं 15 चांसेस इसे तोड़ने के लिए। और अब तुम सोच रहे होगे कि इससे तुम्हें क्या तोड़ना है। तो ये देखो, ये एक ब्रीफ केस है जो बर्फ के अंदर है। हमने एक ब्रीफ केस को लिया जिसके अंदर थे 10,000 और उसे पानी में डालकर जमा दिया। और तुम्हारे पास अब इसे तोड़ने के लिए 15 चांसेस है। शायद तुमने ब्रीफ केस पर वार कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें एक होल है। चलो अपना दूसरा वार करो। ठीक है। नहीं, मैं किसी तरह अभी जिंदा हूँ। मैंने फिर से मार दिया शायद से। यहाँ आने के लिए शुक्रिया। क्योंकि ग्रांट इस बड़े से आइस क्यूब को नहीं तोड़ पाए, इसलिए एक और खिलाड़ी को बुलाया है। फिलिक्स, चलो यहाँ आ जाओ। अगर तुम इस ब्रीफकेस को बाहर निकाल पाए तो ये 10,000 तुम्हारे होंगे। तुम्हारे पास 10 चांस। मैं इसमें तुम्हारी हेल्प करता हूँ फिलिक्स। अब शुरू हो जाओ। तुम कर सकते हो। और से मारो। ये बढ़िया था, बहुत अच्छा था। अब तुम ये पैसे घर लेकर जा सकते हो। बिल्कुल। ये अब भी बर्फ में है, पर ये ऊपर लटक नहीं रही है। अगर इसे ऐसे ही ले जा सकते हो तो 10,000 तुम्हारे। बर्फ कभी तो पिघल ही जाएगी। हाँ, मैं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। बाय, थैंक यू। अगला चैलेंज, हमने बास्केटबॉल गोल्स की एक वॉल बनाई है और मेरे पास कई कूल प्राइजेस भी हैं। जितने भी शॉट्स खिलाड़ी मारेंगे उतने ही आइटम्स वो ले पाएंगे। वो जितनी बार चाहे शूट कर सकते हैं, पर एक भी मिस हुआ तो सारे आइटम्स खो देंगे। और ये चैलेंज थोड़ा अलग है क्योंकि इस बार दो भाई खेलने वाले हैं। एक्चुअली तुम दोनों को मिलकर खेलना होगा। सबसे पहले कौन शूट करना चाहेगा? मैं। ये मतलब ये पहले शूट करेगा। चलो ये लो। जैसे चाहे वैसे शूट करो। दाव पर सिर्फ 20, 30, $40,000 के प्राइजेस ही लगे हैं। बढ़िया, इसने एक शॉट ले लिया। मतलब तुम इनमें से एक प्राइज ले सकते हो। तो तुम चुन रहे हो एक मैकबुक प्रो। अगर मिस किया तो मैकबुक भूल जाना और चैलेंज भी खत्म। बढ़िया निशा। तुम्हें ऑक्यूलस रिफ्ट चाहिए? हाँ, शायद से। तुम मैकबुक प्रो और ऑक्यूलस हार भी सकते हो या खेल छोड़ भी सकते हो। ठीक है। मिस मत करना। नहीं, खैर मैं तुम्हें बताता हूँ कितना इजी है ये।
तीन प्राइजेस, तुम ये कर सकते सारे प्राइजेस वो भी एक शॉट में। अब हम यही चीज फिर से करेंगे लेकिन चैंडलर के साथ, जितना चाहे जीत लो। क्या बात है, एयरपॉड्स, एयरपॉड्स, तुम रिस्क लेना चाहते हो? हाँ, एप्पल, मुझे वो बीट्स भी चाहिए। स्विच, हाँ, आईपैड, ओके, मैं मिस नहीं करता। चैनल, तुम बहुत सी चीजों का रिस्क ले रहे हो। मैं मिस नहीं करता, इसका निशाना पक्का है। जो कुछ भी वो मेरा हुआ। दो मैकबुक ऑक्यूलस, ओके, ये, ओह माय गॉड, ये क्या कर रहे हो चैनल? तुम इतनी सारी चीजें जीते थे पर तुमने फिर भी रिस्क लिया और हार गए। वाइडल, तुम्हें क्या लगता है रेस कौन जीत सकता है, कार्ल या क्रिस? मैं तुम्हें $10,000 दूंगा अगर तुमने सही विनर को चुना तो, और अगर तुमने लूजर को चुना तो मिलेंगे $0। मैं इसे चुनता हूँ। वाइटल, जाकर फिनिश लाइन पर खड़े हो जाओ, अब इनकी रेस होगी, देखते तुम जीतते हो 10 मैक फ्लरीज। अगर मैं जीत गया तो मुझे सच में बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि उसे फिर $10,000 नहीं मिलेंगे, वो उसके हाथों से छीन लिए जाएंगे। तो चलो ऐसा करते हैं कार्ल, तुम जीते तो तुम्हें $5,000 दूंगा। अगर ऐसी बात है तो मुझे जीतना ही होगा, मतलब मैं उसे पैसे जीतने में भी मदद करूंगा और कार्ल के पैसे छीन भी लूंगा। हाँ क्रिस, Yes, right. अगर कार्ल जीतता है तो मैं उसे 5,000 दूंगा। क्या कार्ल? पहले क्यों नहीं बताया? 3, 2, 1, go! ठीक है, वो चले। और लगता है कि क्रिस जीतने वाला। बहुत बढ़िया क्रिस। अरे ये, oh my god, कार्ल! क्रिस! Oh my god, कार्ल! बहुत बढ़िया। क्या बात है? बहुत बढ़िया। इधर आओ मेरे दोस्त, मेरे गले लग जाओ। इधर आओ। ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है? तुम्हें भी एक झप्पी मिलेगी। इधर आ जाओ, कम ऑन, यहाँ आ जाओ। ओके, तुम बहुत ही ऊंचे हो यार। ओह माय गॉड आंद्रे, क्या बात है, ये बहुत ही कमाल है। देखो कितने सारे कप्स रखे हैं, है ना? जरा अंदाजे से बताओ यहाँ कितने कप्स होंगे? शायद 1,000-1,500 से करीब, कह नहीं सकता। अभी तुम्हारे पास बहुत वक्त है, ये कितने पैसे जीतता है जानने के लिए वीडियो आखिर तक देखना। चलो और पैसे बांटते हैं। यहाँ एक ब्लू बकेट, एक रेड बकेट और एक येलो बकेट। एक बकेट में मस्टर्ड भरी हुई है और एक बकेट में भरी हुई है कीचड़, और एक बकेट पूरी तरह पैसों से भरी हुई है। मुझे वो मिल सकती है? आइज़िया, अब तुम्हें चुनना होगा कि किसे उस येलो बकेट के नीचे जाना चाहिए। क्रिस को येलो बकेट के नीचे जाना चाहिए। ठीक है, रेड बकेट के नीचे किसे जाना चाहिए, तुम्हें या कार्ल को? कार्ल, रेड बकेट के नीचे जाओ। अच्छा, तुम्हें पक्का यकीन है कि इसके अंदर मस्टर्ड या कीचड़ नहीं है? नहीं, वो एक मनी बकेट है। तुम्हें क्या लगता है इस येलो बकेट में क्या होगा क्रिस? वो 10,000 मेरे होने वाले हैं। हाँ, सही कहा। तो यहाँ मेरा क्या काम? ताकि मैं सेफ रहूं। हां क्रिस, कंग्रेचुलेशंस, तुमने जीते हैं $10,000। मैंने $10,000 के बारे में झूठ कहा था, इसमें मस्टर्ड था। ये इतना स्पाइसी क्यों है? अरे जरा ध्यान से। तो कार्ल, अब तुम्हारी बारी आ गई है। क्या लगता है इस बकेट में क्या होगा? मुझे अब लग रहा है इसमें कीचड़ होगा। क्यों? क्योंकि मैं नेक्स्ट हूँ और मुझे नहीं लगता कि तुम पैसे बीच में रखोगे, और क्योंकि जमीन पर बहुत सारा मस्टर्ड पड़ा हुआ है। कम से कम स्लाइम गर्म तो था। इसका मतलब है आइज़िया जीत गया है $10,000। आओ मेरे गले लग जाओ। संभल के, ये मेरे ऊपर भी गिर रहा है। ऑलराइट, ये हमारे मिस्टर बीस्ट चैनल का सबसे पहला रिलेशनशिप चैलेंज है। मुझे लगा था हमारा वाला सबसे पहला था। ये है मैट और ये है एलिजाबेथ। क्या तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हो? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो तुम दोनों कब से साथ हो? 2 साल और 3 महीने। ठीक है, ओके। हाँ। मैं तुम दोनों को अलग करूंगा और तुम्हारे रिलेशनशिप का टेस्ट लूंगा। मैं तुम दोनों को एक जैसे सवाल पूछूंगा, अगर तुमने एक जैसा जवाब दिया तो मैं तुम्हें एक मिस्ट्री प्राइज दूंगा। ओके। लेकिन इसे मुश्किल करने के लिए तुम्हें अलग करना होगा। अब ये दोनों अलग हो गए हैं तो अब हम मजे कर सकते हैं। अच्छा, मैंने सुना कि तुम अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो। इस साल मेरे जॉब जाने से पहले मैं उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला था, और अब हम नहीं जानते कि आगे क्या करना चाहिए। अगर तुम और एलिजाबेथ सभी सवालों का एक जैसा जवाब देते हो तो मैं तुम्हें $15,000 दूंगा शादी करने के लिए। मेरी जिंदगी बदल जाएगी। तो शुरू करते हैं। चलो कार्ल, पहला सवाल पूछो। तुम लोग पहली डेट पर कहाँ गए थे? टाउन कॉमन। ठीक है, टाउन कॉमन। तुम यहीं रुको, हम देखते हैं कि वो भी यही जवाब देती है या नहीं। और हाँ, हम उसे प्राइस के बारे में नहीं बताएंगे। तुम दोनों पहली डेट पर कहाँ गए थे? टाउन कॉमन। अरे वाह, बहुत बढ़िया, तुम दोनों ने पहले सवाल का एक जैसा जवाब दिया है। हम बहुत जल्द वापस आएंगे। उसने भी वही जवाब दिया। मैं जानता था। तो तुम दोनों पहली डेट पर एक ही जगह पर गए थे। क्रिस, मैं इनकी शादी का ये $15,000 ले रहा हूँ और इन्हें तुम्हारे हाथों में दे रहा हूँ। तुम्हारी वो जो लाइफ पार्टनर है उसका मिडिल नेम क्या है? सिरेल। सिरेल, ओके। तुम्हारा मिडिल नेम क्या है? सिरेल। उसने भी यही जवाब दिया। उसे प्रपोज करने के लिए तुम कितने सीरियस हो? मैं अभी कर सकता हूँ।
ओके, हमने ऑफ कैमरा भी बात की थी और ये उसे ऑन कैमरा प्रपोज करना चाहता है। और मैं तुम्हें बता दूं, ये पूरी तरह से तुम्हारा फैसला होगा, तुम्हें करना है। बेशक करना है। तो अगर ऐसा है, अब आखिरी सवाल होगा जो तुम उससे पूछोगे, विल यू मैरी मी? ठीक है। अच्छा, पहले हमें वो रिंग दिखा। क्यों नहीं? ओह माय गॉश, ओह माय गॉश। ये मिस्ट्री प्राइज जीतने के लिए इनका आखिरी सवाल होगा। उन सभी मार्बल्स के नाम, सभी एंटीलाडास के नाम, उन सभी फिर से मार्बल्स के नाम। अब एक दूसरे की ओर मुड़ जाइए। ओ मैं oh, no. ऐसा कुछ होगा, मैंने सोचा भी नहीं था। एलिजाबेथ, विल यू मैरी मी? ओह माय गॉड, वो मिस्ट्री प्राइज है $15,000 तुम्हारी शादी के लिए। वाओ, थैंक यू सो मच। चलो अब जल्दी से गले लग जाओ। हम रिसेप्शन में पिज्जा खाना पसंद करेंगे। ओ, आओ हमें भी गले लगना चाहिए। चलो आ जाओ। तुम लोग इस तरह मुझसे गले क्यों नहीं लगते? करना चाहते हो? नहीं। अब अगला हमारा प्राइज है 2 कार्स और ये वाली है असली, लेकिन यहाँ पर ये जो कार है ये रामेन से बनी हुई है। तो तुम्हें कौन सी कार चाहिए ये फैसला तुम्हें करना है। मुझे रिम्स दिख रही है और ये वाली थोड़ी अजीब सी लग रही है। तो तुम ये कार चुन रही हो? हाँ। ठीक है, इसे दिखाओ, ये कौन सी कार जीत सकती थी। ठीक है, ये तो विनी कूप। प्लीज इसे दिखाओ, इसने कौन सी कार चुनी। ठीक है, तुम तैयार हो? मैंने ये क्या कर दिया। चलो यहाँ से तुम संभालो, मुझे एक अर्जेंट कॉल करनी है। क्या बात है आंद्रे? ओह माय गॉड, तुमने तो कमाल कर दिया। जरा इन्हें देखो, ये कितने सारे हैं और ये सब तुमने खुद रखे हैं बिना किसी की मदद लिए? हाँ, मैंने ये अकेले ने रखे हैं। इन सबको मैंने अकेले ने रखा है। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है तुमने कितने कप्स को रखा होगा? मैंने गिना तो नहीं है, पर 3500 या फिर 3700। well, मेरी टीम के हिसाब से जिन्होंने इस रूम में आने वाले हर एक कप को गिना है, तुमने रखे हैं 4700 कप्स। चलो इसे 5000 में राउंड अप कर दे। मुझे ये पसंद आया, थैंक यू वेरी मच। अब जो तुमने इतने सारे पैसे बना लिए हैं, थोड़े मजे करना चाहोगे? हाँ। मैंने अभी अभी मिस्टर बीस्ट पर $5,000 जीते हैं। सब्सक्राइब।